पंजाब से चले किसानों का काफिला अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। तमाम रुकावटों को दूर करते हुए किसान आखिरकार दिल्ली के करीब पहुंच ही गए और ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली पुलिस ने राज्य सरकार से शहर के 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील करने की इजाजत मांगी है। अगर दिल्ली में प्रदर्शन बढ़ता है तो किसानों को इन स्थानों पर लाया जा सकता है। आपको बता दें कि पंजाब से चले किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली आ रहे हैं। देर रात तक किसान पानीपत तक पहुंचे थे और अब दिल्ली बॉर्डर के कुछ ही करीब है। किसान दिल्ली में रामलीला मैदान जंतर मंतर जाने पर अड़े हुए हैं। तो दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया है कि सरकार ने किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। हालांकि किसानों का कहना है कि वो अब सीधे पीएम नरेंद्र मोदी से ही बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV, भारत।